सो फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। ये निकली है पंजाब गवर्नमेंट में जॉब। तो अगर आप पंजाब गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। इसमें क्लर्क की जॉब निकली है, स्टोर कीपर की जॉब निकली है। तो जानते हैं सारी डिटेल्स, इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कैरियर रिलेटेड और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। बेल बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सारी डिटेल्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जॉब आई है पंजाब गवर्नमेंट में, PSSSB ने निकाली है, पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है और रिक्रूटमेंट हो रही है क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो जरूर अप्लाई करिए। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट के साथ और भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। सो फ्रेंड्स, 8 मार्च से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है 5th ऑफ अप्रैल है 2024। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 10th ऑफ अप्रैल 2024। अब हम जान लेते हैं इसका एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है। देखिए, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 इयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज लिमिट है 37 इयर्स होनी चाहिए। और इसमें देखिए, एससी और बीसी आप पंजाब में हैं तब जो है 42 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। और अगर आप सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉई हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 इयर्स की गई है। ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी को, बीसी को और सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉइज को। अब हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी देखिए, जनरल हो, फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्पोर्ट्स कोटे में आप अप्लाई कर रहे हो, स्पोर्ट्समैन हो, 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी इसकी लगेगी। और एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज है और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 500 रुपीज है और एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 फीस है। और जो फी पेमेंट आपने करने हैं वो आपने ऑनलाइन ही करनी है। इसमें देखिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अगर हम क्लर्क की बात करें क्लर्क में 258 वैकेंसीज हैं और स्टोर कीपर की बात करें तो उसमें एक ही वैकेंसी है। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, देर मत करिएगा। और ये मत सोचिएगा कि कम वैकेंसी है तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। क्या पता वो एक जो वैकेंसी है वो आपके लिए ही खुली हो। तो पॉजिटिव होके अप्लाई करिए और इसको क्लियर करिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं क्लर्क के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, क्लर्क के लिए सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास पंजाबी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की जॉब है तो पंजाबी इज ए मस्ट। 10th स्टैंडर्ड तक आपके पास पंजाबी आपके पास होनी चाहिए। और इसमें देखिए एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मतलब कि इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड भी आपकी देखी जाएगी और पंजाबी की भी आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। और आपने कंप्यूटर कोर्स भी किया हो, कम से कम ओ लेवल सर्टिफिकेट का आपके पास, कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्टोर कीपर की बात करें तो देखिए लगभग क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है। इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में। साथ में आपने जो है पंजाबी आपके पास होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तक आपके पास पंजाबी आपके पास होनी चाहिए। और साथ में आपके पास कंप्यूटर कोर्स का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली ये है। और इसमें भी जो है आपका पंजाबी टाइपिंग टेस्ट भी आपका किया जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस का जो पेपर होगा वो आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। वो अंग्रेजी में भी चेक की जाएगी, इंग्लिश में भी, और साथ में पंजाबी में भी आपका जो है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। उसमें कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में जो पास आउट होंगे, जिनके नंबर सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के भी मार्क्स जो है उसमें काउंट किए जाएंगे। तो उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये बेसिकली प्रोसीजर होगा। और रही बात एग्जाम्स के पैटर्न की, उसकी आपको बुक्स आपको मिल जाएंगी। मैं भी कोशिश करूंगा, लिंक्स आपसे शेयर कर लूंगा, आप उन बुक्स पे जाके आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस की जो आप तैयारी उन बुक्स से कर सकते हैं। तो बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, बुक्स आपको स्टोर से भी आपको मिल जाएंगी। तो ये है बेसिकली एग्जाम पैटर्न। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा रहा हूं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में आराम से आपको सारा क्लियर पिक्चर नजर आएगी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कैसे अप्लाई करना है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन में देखिए यहां पे SS बोर्ड पंजाब लिखा हुआ है, लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई है कैसे आपने अप्लाई करना है।
ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने सारा यहाँ पे जो सबमिट करना है अपनी सारी डिटेल्स आपने सबमिट करनी है। सो फ्रेंड्स, जब आप रजिस्टर कर लेंगे, सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो है आपने लॉग इन करना है थर्ड डे पे लॉग इन करके आपने जो है फी जो है डिपॉजिट करनी है। एकदम आपने फी डिपॉजिट करने के लिए नहीं आएगा, पहले आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन थर्ड डे आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड डे में सबमिट किया मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के थर्ड डे पे आपने जो है ये डिपॉजिट करनी है फी। आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं 11 बजे के बाद, सुबह के 11 बजे के बाद, और लास्ट डेट है 10th of April 2024। अगर एप्लीकेशन फी नहीं आती है तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जब आप फी डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, और ये जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे इसको अपने पास रखना है फ्यूचर यूज और रेफरेंस के लिए। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने भरनी है, अपना नाम, फादर्स नाम, मदर्स का नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल, कैटेगरी, सब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन सब दी हुई है सब आपने भरनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, सब आपने भर के आपने सेव कर देना है। तो जब आपका एप्लीकेशन आपका प्रोसेस हो जाएगा तब आपने जो है थर्ड डे पे वहाँ पे आपने फिर फी का पेमेंट यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है अपलोड फोटो साइन, पे फी और प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करके करना है। और आपने पेमेंट फी करने के बाद फिर अगले दिन आपने जो है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो वो जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट होगा वो आपने फ्यूचर यूज के लिए रेफरेंस के लिए रखना है। तो ये है सारा प्रोसीजर। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो जरूर अप्लाई करिए। और अगर आप पंजाब में रहते हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पंजाबी आपको आनी चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आप लोगों की अच्छी होती है, इंग्लिश और पंजाबी में टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो ये जॉब आपके लिए। तो लेट मत करिए, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ऐसी जॉब अपडेट्स और भी आती रहेंगी, हर स्टेट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड, सब हमारे इस चैनल फन इन्फोमैट्रिक्स में आती रहती है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई जॉब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फोमैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।